जादुई घंटी। कई बरसों पहले की बात है, एक गांव में एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था। लकड़हारा लकड़ियां बेचकर अपना गुजारा करता था। लकड़हारा गरीब था पर दिल का बहुत अमीर था। अरे यह तो कौवे का घोंसला है, मुझे ये पेड़ नहीं काटना चाहिए। लकड़हारा रोज की तरह जंगल में लकड़ियां काट रहा था, तभी एक साधु उसके पास आया। सुनो बच्चे, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? हाँ हाँ महाराज, क्यों नहीं, ये लो। शुक्रिया मेरे बच्चे। साधु ने पानी पिया और लकड़हारे की तरफ देखा। क्या हुआ बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? महाराज मैं गरीब हूँ, लकड़ियाँ बेचकर अपना गुजारा करता हूँ, लेकिन कई बार मुझे भूखे पेट ही सोना पड़ता है महाराज। ये लो बच्चे। ये तो घंटी है, इसका मैं क्या करूँ? अरे ये कोई मामूली घंटी नहीं है, ये एक जादुई घंटी है। क्या, जादुई घंटी? हाँ बच्चे, जादुई घंटी। इसे बजाकर तुम जो चाहे पा सकते हो। लकड़हारा वो जादुई घंटी लेकर घर आता है। सुनो, देखो मुझे क्या मिला है। क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? ये देखो। ये क्या है? एक मामूली घंटी, उसमें इतना खुश होने की क्या बात है? अरे ये मामूली घंटी नहीं है, ये एक जादुई घंटी है। क्या, जादुई घंटी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अरे हाँ, ये एक जादुई घंटी है, देखना चाहती हो? बोलो बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाना मांग लो। लकड़हारा घंटी बजाता है और खाने की मांग करता है, उनके सामने खाना आ जाता है। देखा, अब तुम्हें जो चाहिए वो इस जादुई घंटी से मांग सकती हो। दूसरे दिन लकड़हारा रोज की तरह अपने काम के लिए निकल जाता है। लकड़हारे के जाने के बाद उसकी पत्नी उस जादुई घंटी से अपनी जरूरत की सब चीजें मांग लेती है। अरे ये तो मेरा घर नहीं है, ये मैं कहाँ आ गया? अरे सुनो, ये आप ही का घर है। ये सब जादुई घंटी का कमाल है। जादुई घंटी के सहारे उन्होंने सब जरूरती चीजें हासिल कर ली। कुछ दिनों बाद एक साधु उनके दरवाजे पर आता है और आवाज देता है। सुनो बेटी, क्या मुझे थोड़ा सा पानी मिल सकता है? अरे कौन है? पता नहीं, कोई भिखारी लगता है। भगा उसे अपने घर से। चले जाओ यहाँ से, यहाँ पानी नहीं मिलेगा। सुनो, मुझे बेहद भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? लकड़हारे की पत्नी जादुई घंटी लेकर खाने की मांग करती है, पर इस बार कोई खाना नहीं आता। अरे ये घंटी मेरी मांग पूरी क्यों नहीं कर रही है? तभी लकड़हारा सोचता है कि वो दरवाजे पर आया साधु वो साधु तो नहीं जिसने उसे वो घंटी दी थी। हाँ बच्चे, जादुई घंटी, इसे बजाकर तुम जो चाहे पा सकते हो। महाराज महाराज सुनो, महाराज महाराज सुनो, महाराज 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 मुझे माफ कर दो, मैं आपको पहचान नहीं पाया। चलो चलो मेरे घर चलो। नहीं बेटा, अब उसका कोई फायदा नहीं, तुम एक अच्छे इंसान थे इसीलिए वो घंटी तुम्हारा साथ दे रही थी, अब वो घंटी तुम्हारे कुछ काम की नहीं। धन आते ही तुम्हारे अंदर की इंसानियत खत्म हो गई, इसलिए वो जादुई घंटी अब काम नहीं करेगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी हमें इंसानियत नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे हम गरीब हो या अमीर। चक्की। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, एक बहुत ही अमीर व्यापारी था और दूसरा एक गरीब लकड़हारा। माँ मुझे भूख लगी है। हाँ बेटा, पिताजी को आने दो, वो लकड़ी बेचने शहर गए हैं, आज जरूर लकड़ियों की बिक्री हुई होगी। आज भी तुम खाली हाथ लौट आए?
तुम्हारे लकड़ियां ना बेचने के कारण हमारा बच्चा भूखा रहता है। पिताजी, मुझे भूख लगी है, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया। अपने बच्चे को इस तरह रोते हुए देख लकड़हारा दुखी हो गया। उसने सोचा कि क्यों ना अपने बड़े भाई से थोड़े पैसे उधार ले लूं। मेरे भैया मुझे जरूर मदद करेंगे। फिर आ गए तुम, अब क्या चाहिए तुम्हें? भैया, क्या आप मुझे थोड़े पैसे उधार दे सकते हो? मेरा बच्चा सुबह से भूखा है और आज मैं बाजार में एक भी लकड़ी नहीं बेच पाया। तुम एक आलसी इंसान हो जो मेहनत नहीं करना चाहता। तुम ये झूठी कहानी बनाना बंद करो। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन कीजिए। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, निकल जाओ मेरे घर से। लकड़हारा अपने घर खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहता था, इसीलिए उसने सोचा क्यों ना जंगल में जाकर थोड़े से फल ढूंढ कर ले आए। जंगल में खाने की तलाश करते हुए उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जो लकड़ियों का गट्ठा उठाने की कोशिश कर रहा था। सुनिए, मैं आपकी लकड़ियां उठाने में मदद कर देता हूँ। क्या हुआ, तुम इतने चिंतित क्यों लग रहे हो बेटा? मेरा बच्चा भूख से रो रहा है और मैं आज एक भी लकड़ी नहीं बेच पाया। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मैं अपने परिवार को भरपेट खाना नहीं खिला पा रहा हूँ। लकड़हारे की कहानी सुनकर उस बूढ़े आदमी को बहुत ही दुख हुआ। उन्होंने लकड़हारे की मदद करने की सोची। शुक्रिया बेटा मेरी मदद करने के लिए। मेरी मदद करने के बदले में तुम्हारे लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ जिससे तुम भविष्य में बहुत ही तरक्की करोगे। मैं तुम्हें ये रोटी की टोकरी दे रहा हूँ, इसे बोनों के घर पहुँचा दो जो के घने जंगल में रहते हैं। इस रास्ते से तुम आगे जाओ, तुम्हें 3 फल के पेड़ दिखाई देंगे। जैसे ही तुम और आगे बढ़ोगे तुम्हें एक छोटा सा घर दिखाई देगा। वो घर 2 बोनों का है। तुम्हारे हाथ में ये रोटी देखते ही वो तुम्हें तुम्हारी एक इच्छा पूरी करने का वरदान देंगे। तुम उनसे जादुई चक्की मांगना। जादुई चक्की? हाँ, वही तुम्हारे तकलीफों को दूर करेगी। लकड़हारे ने बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा किया और बोनों के घर के लिए निकल गया। पर जैसे ही वो उनके घर पहुंचा, बोने उस पर आग बबूला हो गए। कौन हो तुम और तुम्हें क्या चाहिए? हमारे घर से चले जाओ। मैं गलत घर आ गया, यहाँ एक व्यापारी रहता है, मैं उनके घर जाना चाहता था। रुको, इसके पास रोटी की टोकरी है, ये टोकरी तुम हमें दे दो। मैं ये रोटी नहीं दे सकता, ये मेरी मेहनत का फल है। तुम हमें ये टोकरी दे दो, हम इसके बदले में तुम्हें बहुत सारे पैसे देंगे। नहीं नहीं, मुझे पैसे नहीं, वो चक्की चाहिए। बोनों ने लकड़हारे को जादुई चक्की दे दी। ये एक जादू की चक्की है, इससे तुम कोई भी खाने का पदार्थ प्राप्त कर सकते हो। पर जैसे ही तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए, इस चक्की को लाल कपड़े से ढकना भूलना मत, अन्यथा इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जैसे ही लकड़हारा अपने घर पहुंचा, उसने देखा कि उसकी पत्नी और उसका बच्चा उदास बैठे थे। बिना समय गवाए उसने जादुई चक्की से थोड़े से चावल की मांग की। मुझे मेरे और मेरे परिवार के लिए चावल चाहिए। और उस जादुई चक्की ने उसकी ये मांग तुरंत पूरी कर दी। लकड़हारे के पूरे परिवार ने खुशी खुशी भरपेट खाना खाया।
जादुई चक्की की मदद से लकड़हारे ने काफी अनाज का उत्पादन किया और हर रोज पास के बाजार में जाकर बेचने लगा। उसने अनाज बेचकर काफी पैसे कमा लिए, अपने लिए एक बड़ा सा घर बना लिया और हंसी खुशी से उसका परिवार वहाँ रहने लगा। लकड़हारे के बड़े भाई से उसकी तरक्की देखी नहीं गई। वो किसी भी हाल में उसकी तरक्की का रहस्य जानना चाहता था। तुम्हारे इस राज को मैं आज जान ही लूंगा और तुमसे ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। ए जादुई चक्की, मुझे 5 बोरी चावल दे दो। तो ये कमाल जादुई चक्की का है। इसे चुरा कर तो मैं बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ। लकड़हारा जैसे ही बाजार के लिए निकला, बड़े भाई ने मौका देख जादुई चक्की चुरा ली। चलो, हमें ये शहर छोड़ के जाना होगा। भाई अपने बीवी बच्चों के साथ जादुई चक्की चुरा कर दूसरे शहर में भागने लगता है। बीच रास्ते में ही जादुई चक्की चलाने का मोह वो रोक नहीं पाता। बड़े भाई ने अपनी आंखें बंद की और जादुई चक्की से नमक मांगा। तुरंत उसकी मांग पूरी हुई, पर नमक का ढेर बढ़ता गया और उसे इस बात का पता नहीं था कि चक्की को कैसे रोका जाए। आखिरकार नमक के ढेर ने उसे और उसके नाव को डुबो दिया। तो दोस्तों, ये हमेशा याद रखें कि हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। बंदर और मगरमच्छ। जंगल का हर जानवर वैसे तो बहुत ही माहिर शिकारी होता है, मगर क्या होता है जब उसे बुढ़ापा आता है? लगता है आज भी मछली नहीं मिलेगी। सोती हुई मछली। बस एक ही मछली, तुम अब बूढ़े हो चुके हो। तुम मेरा पेट ठीक से नहीं भर सकते, रोज मुझे भूखे पेट ही सोना पड़ता है। ये सुनकर मगरमच्छ को बहुत बुरा लगता है, लेकिन जैसे ही वो मछली पकड़ने की कोशिश करता, मछली उसके हाथ से निकल जाती थी। बहुत कोशिश करने के बाद मगरमच्छ थक गया और नदी किनारे पेड़ के नीचे सो गया। उस पेड़ पर एक बंदर जामुन खा रहा था। अरे वाह, जामुन! बंदर भाई, मुझे भी कुछ जामुन दे दो, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, ये लो। अरे ये तो बहुत मीठे हैं। शुक्रिया, मुझे बहुत भूख लगी थी। तुम बहुत अच्छे हो, मुझे तुम जैसा दोस्त मिल जाए तो बहुत खुशी होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मैं इसी पेड़ पर रहता हूँ, तुम्हें जब भी भूख लगे आ जाना, मैं तुम्हें जामुन तोड़कर दे दूंगा। इस तरह बंदर और मगरमच्छ दोस्त बन गए। जब भी मगरमच्छ को भूख लगती, वो बंदर से जामुन मांग लेता और घर पर ले आता। इस कारण दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो चुकी थी। बंदर भाई, आज थोड़े ज्यादा जामुन मिलेंगे, मेरे पत्नी को भी ये जामुन बहुत अच्छे लगे। मगरमच्छ खुशी से जामुन लेकर घर की ओर चल पड़ता है। देखो, मैंने आज तुम्हारे लिए मीठे मीठे जामुन लाए हैं। ये जामुन इतने मीठे हैं, तो जरा सोचो, तुम्हारा दोस्त तो रोज ये मीठे जामुन खाता है, तो वो कितना मीठा होगा। वो बहुत अच्छा है, वो ये जामुन खुद भी खाता है और हमें भी खिलाता है। मैं तो सोच रही हूँ कि उसका दिल कितना मीठा होगा, और बहुत दिनों से मैंने मांस का स्वाद भी नहीं चखा। क्या तुम मुझे उसका दिल लाकर दे सकते हो? ये तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ नहीं सुनना,
मुझे बस उस बंदर का दिल चाहिए। कितने दिनों तक ये जामुन खाएंगे हम? जाओ, जल्दी जाओ। हाँ? नहीं तो मैं कभी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे लिए उस बंदर का दिल जरूर लाऊंगा। बंदर भाई सुनो ना, मेरी पत्नी तुम्हारे दिए हुए जामुन खाकर बहुत खुश है, और आज इस खुशी में उसने तुम्हें खाने के लिए मेरे घर बुलाया है। आज हम तीनों साथ में भोजन करेंगे। अरे वाह, ये तो खुशी की बात है। बेचारा बंदर मगरमच्छ की बातों में आकर उसके साथ चल पड़ता है। रुको, पहले मुझे बताओ कि तुम्हारी पत्नी खाने में क्या बनाने वाली है। मैंने उसे बताया है कि तुम्हें केले बहुत पसंद है, तो उसने केले की सब्जी, पूरी और खीर बनाई है, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। अरे वाह, आज तो बढ़िया दावत है। चलो जल्दी, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। वो दोनों बातें करते करते मगरमच्छ के घर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन बंदर को वहां कोई खाना नजर नहीं आता। ये क्या, कहाँ है खाना? बेवकूफ बंदर, हमारे पास कोई खाना नहीं है। हम तो अब तुम्हें ही खाना बनाने वाले हैं। मेरी पत्नी ने सोचा तुम रोज मीठे जामुन खाते हो, तो तुम्हारा दिल कितना मीठा होगा। इसकी ये इच्छा पूरी करने के लिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। बंदर डर जाता है, पर बहुत ही होशियारी से काम लेता है। अच्छा, तो ऐसी बात है, क्यों नहीं, जरूर। मगर दोस्त, ये बात तुमने मुझे निकलने के पहले क्यों नहीं बोली? हम बंदर अपना दिल पेड़ पर संभाल कर रखते हैं। अब हमें उसे लेने वापस जाना होगा। तुम मुझे फिर से उस पेड़ के पास ले चलो। क्या, जाओ अभी के अभी इसका दिल लेके आओ। पत्नी के चिल्लाते ही मगरमच्छ बंदर को फिर से पेड़ के पास ले आता है। बंदर पेड़ के पास पहुंचते ही झट से पेड़ पर चढ़ जाता है। अरे बेवकूफ मगरमच्छ, क्या कोई दिल बाहर निकाल कर भी जिंदा रह सकता है? मैंने तुझे अपना दोस्त समझा था, तुझे खाना दिया और तूने मेरी दोस्ती का ये सलाह दिया। अब ना तुम्हें दिल मिलेगा ना ही जामुन। चल निकल यहाँ से। इस तरह बंदर ने अपनी होशियारी से अपनी जान बचाई और मगरमच्छ अपनी दोस्ती और जामुन दोनों से हाथ धो बैठा। मगरमच्छ और उसकी पत्नी पर भूखे रहने की नौबत आ गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हमारे पास होशियारी हो तो हम किसी भी खतरे से बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस स्टोरी को लाइक और शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।